माल्टा एक ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री फॉर मेनी, और अगर आपकी भी ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री है तो शायद इसको अब बदलने का वक्त आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। माल्टा को जो अदर शेंगेन कंट्रीज से यूनिक बनाता था वो था बहुत इजी टू कम, सेकेंड गुड वेदर एंड फूड, थर्ड नो लैंग्वेज बैरियर। बट अब ये सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आइए मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, इजी टू कम, अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया है, वेरी हार्ड टू कम। कैसे? अब आपको अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए। क्यों? फर्स्ट, आपको इनके नैब वीजा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आईएलटीएस लेवल 3 सर्टिफिकेट चाहिए, और आईएलटीएस लेवल 3 सर्टिफिकेट गेन करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने लर्निंग करके एग्जाम दे के उसको लेना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए, बैंक से स्टैम्प्ड। थर्ड थिंग, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके एम्प्लॉयर से आपको चाहिए होगा। फोर्थ थिंग, CV, आपकी प्रोफेशनल जो भी CV है जिस फील्ड की है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं फिर भी एटलीस्ट VFS में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आइडेंटिटी माल्टा से प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आने के लिए आपको 6 से 7 महीने एक्स्ट्रा ये लगने वाले हैं। वीजा लगने के चांसेस भी अभी पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो गए हैं। सेकेंड थिंग, अभी इनकी नेशनल पार्टी है उसका एक एजेंडा है कि 2024 से अगर इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तो वो अभी जो आप आओगे और अगर आपका कार्ड रिन्यू होगा तो उसके लिए इनकी लोकल माल्टीज लैंग्वेज आना कंपलसरी है, जो कोई भी सेल्स नहीं बनाता है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, मोस्टली जो कंट्रीज हैं किसी भी शेंगेन कंट्री में या कहीं पे भी, वो तब लैंग्वेज आपको सीखने के लिए कहती हैं जब या तो आपको वो आपकी नेशनैलिटी दे रही होती है अपनी कंट्री की, या आपको यहाँ की परमानेंट रेसिडेंस कार्ड देते हैं। टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड में ये कोई भी लॉजिक नहीं बनाता है। अब आपको अपना समय लगा के एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इनकी लैंग्वेज सीखने के लिए जाना पड़ेगा, और ये कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि ये आपको ना PR देते हैं ना नेशनैलिटी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माल्टा आखिर ये सारी चीजें कर क्यों रहा है, तो इसके 2 रीजन है। फर्स्ट, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, जब उनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं तो वो रूल्स को बहुत इजी कर देते हैं। जब इनको लगता है कि ऑलरेडी बंदे ज्यादा हो चुके हैं, प्लस अभी इनके जो लोकल्स हैं उनके पास भी जॉब्स की शॉर्टेज होने लगी है, तो वो उस रूल्स को थोड़ा हार्ड कर देते हैं कि इमिग्रेशन कंट्रोल हो जाए। ये इमिग्रेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं। क्यों? मोस्टली जो बंदे आते हैं माल्टा में आते हैं और फिर वो माल्टा से मोस्टली अदर शेंगेन कंट्रीज में मूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माल्टा ना आपको नेशनैलिटी देता है ना PR देता है, तो बंदों को मनी के अलावा भी चाहिए सिक्योरिटी, इसीलिए वो बहुत सारी अदर शेंगेन कंट्रीज में निकल जाते हैं, फिर वहां जाके असाइलम या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। मोस्टली वो पुर्तगाल आ जाते हैं और फिर वहां पे PR और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन चीजों को गवर्नमेंट देख रही है, समझ रही है और चीजों को बहुत टाइट कर रही है। तो अब आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप और किसी कंट्री में ट्राई करें, जैसे क्रोएशिया हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये कंट्रीज भी आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं। सोच समझ के पूरे यूरोप में जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ट्राई करें और वहां जाएं और सेटल हो जाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।